हाय गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सही सलामत है। आज हम लोग जा रहे हैं सोएगांव। बहुतों ने नाम सुना होगा, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो बाद में बताएंगे। अभी तो फिलहाल हम चलते हैं, और कौन कौन साथ में जा रहा है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो फिर चलिए घूमने के लिए हमारे साथ सोएगांव। हम लोग जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी और घर से निकल चुके हैं। और गुवाहाटी का मतलब बहुतों को पता ही होगा, ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब आप जहाँ पे 30 मिनट्स पे पहुँच सकते हैं, लगभग आपको कभी कभी वहाँ पे 2 घंटा भी लग सकता है, इतना ट्रैफिक होता है। तो हम लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं ट्रैफिक में। जो रास्ता हमारे लिए 1.5 घंटा 2 घंटा का था, वो हमारे लिए 3 घंटा का बन गया है। मुझे गांव घूमने आना बहुत पसंद है, और नज़ारा भी बहुत मैं इंजॉय करती हूँ, क्योंकि इस तरह से नज़ारा हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, भरपूर आपको ट्रैफिक मिल जाएगा देखने को, पर ऐसा नज़ारा सिर्फ गांव में दिखा जाता है। बहुत प्यारा नज़ारा है, आई लव इट। तो मेरे साथ आप लोग भी ये वाला नज़ारा इंजॉय कीजिए। हम लोग पहुँच चुके हैं मेहमान के घर, और हम यहाँ पे कुछ लेने के लिए आए हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे। जो से समय लेना था वो लेके हम लोग रिटर्न जाएंगे गुवाहाटी। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो हमको नींबू का शरबत मिल गया पीने के लिए। उसके बाद हम लोग को चाय वाय पी, फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, और प्रिंसेस भी ढेर सारा पंछियों को देख के बहुत इंजॉय कर रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पर इंजॉय किया। फिर हम लोग को मिल गया बारिश, जो हमने बहुत दिनों से बारिश नहीं देखा था, तो वो वाला भी इंजॉय किया। और घर आते वक्त हम लोगों ने दुपर बिल का रास्ता सुना। उसके बाद हम लोग को मिल गया बिल का मछली, जो खाने में बहुत टेस्टी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफिकेशन के बेल को बजाना ना भूलें।